हे फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल मीनाक्षीज कुक बुक। और आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ आलू टिक्की बर्गर की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनेगी घर में ही, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पैन में ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून ऑयल और साथ ही इसमें ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून बटर। और बटर के मेल्ट होने के बाद हम इसमें 1/2 इंच चॉप जिंजर का टुकड़ा डालेंगे और 1 टीस्पून चॉप की हुई हरी मिर्च डाल लेंगे और इसे हम थोड़ा सा सौते कर लेंगे। और इसे सौते करने के बाद हम इसमें थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें 1/2 टीस्पून चिली पाउडर डालेंगे, उसके बाद 1/2 टीस्पून हल्दी का पाउडर डालेंगे, साथ में 1 टीस्पून धनिया का पाउडर डालेंगे और साथ ही हम इसमें डाल लेंगे 1/2 टीस्पून जीरा का पाउडर और चाट मसाला 1 टीस्पून। साथ में हम इसमें स्वादानुसार नमक डाल लेंगे, मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून डाला है। और इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे, ताकि ये जले ना। और मसाले जब फ्रेग्रेंट हो जाए, अच्छे से भुन जाए, उसके बाद हम इसमें 1/4 कप मटर डालेंगे, ताज़ा या फिर फ्रोज़न कोई भी ले सकते हैं आप। और इन्हें अच्छे से कुक होने तक पका लें। और जब मटर कुक हो जाएगा तो हम इसमें डाल लेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और अब हम इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ध्यान रखें कि हमें ये लो से मीडियम फ्लेम पे करना है, ताकि कुछ भी जले ना। और जब ये सब अच्छे से भुन जाएगा, उसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे 4 से 5 मीडियम साइज़ के बॉयल किए हुए मैश्ड पोटैटोस और इन्हें हम अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे इसमें डालने के बाद। और इस बात का ध्यान रखें कि मसाला जो है वो हमारा जले नहीं। और जब आलू और मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो हम इसमें 1 टेबलस्पून फ्रेश धनिया ऐड कर लेंगे, इसे बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। साथ ही हम इसमें मिंट के यानी कि पुदीना के 1/2 टेबलस्पून पत्ते ऐड करेंगे, मैंने सूखे हुए ऐड किए हैं, आप ताज़ा भी ले सकते हैं। और इसके बाद हम इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनको अब हमने एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। और साथ ही इसमें ऐड कर लेंगे बाइंडिंग के लिए 1/4 कप पोहा, जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, और इसको हाथ से या फिर इस तरह के मैशर से अच्छे से मिक्स कर ले। देखिए एक डो जैसा बन गया है। इसके बाद फिर यहाँ पर मैंने ये क्लिंग फिल्म ली है, आप चाहे तो इसे हाथों से भी टिक्की बना सकते हैं, लेकिन एक जैसे टिकिया बनाने के लिए ये टेक्निक मैंने यूज़ की है, आप भी कर सकते हैं। इसे इस तरीके से क्लिंग फिल्म में आप रोल करके इसे अच्छे से टाइट से जो है वो ट्विस्ट करके 30-40 मिनट्स के लिए रेफ्रिजरेट कर दें, या फिर आप इस तरीके से बना के इसे एक दिन पहले भी रख सकते हैं, अगर नेक्स्ट डे आपके घर में मेहमान आने वाले हैं या फिर कोई पार्टी है उसके लिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए किस तरीके से मैंने इसे यहाँ पर इसे ट्विस्ट करके रोल करके रखा है। इससे दो चीज़ें होती हैं, हमें इवन टिक्कियाँ मिल जाती हैं और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है, एक साथ आप बहुत सारी टिक्कियाँ जो है वो बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम बना के इसे रेफ्रिजरेटर में 30-40 मिनट्स के लिए रख देंगे, या फिर आप इसे बना के पहले भी स्टोर कर सकते हैं बाद में यूज़ करने के लिए। तो चलिए फिर अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप इसे देख रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा बन के रेडी हो गया है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे स्लरी रेडी करेंगे। उसके लिए यहाँ पर हमने 5 टेबलस्पून जो है वो मैदा ले लिया है, उसमें हम 1/2 टेबलस्पून नमक डाल लेंगे और ज़रूरत के मुताबिक पानी ऐड करके हम इसमें स्लरी बना लेंगे। और स्लरी जो है वो कोटिंग कंसिस्टेंसी की होनी चाहिए, ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं धीरे धीरे इसमें पानी ऐड करके जो है वो ग्रेजुअली पानी ऐड करके स्लरी बना रही हूँ, क्योंकि अगर एक साथ हम बहुत सारा पानी ऐड करेंगे तो हो सकता है पतली भी बन जाए और इसमें गांठे भी पड़ जाएंगी। तो हमें जो स्लरी चाहिए वो गांठों वाली नहीं चाहिए, बहुत ही अच्छी कोटिंग कंसिस्टेंसी की स्लरी हमें बनानी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर मैंने स्लरी बना के रेडी कर ली है, ये बिल्कुल परफेक्ट बनी है। यहाँ पे आप देख लीजिए आपको किस कंसिस्टेंसी की स्लरी बनानी है। तो चलिए फिर अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपनी टिक्की की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये हमारी टिक्की का जो हमने बना के रखा था रोल, ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इन्हें रिक्वायर्ड अपनी जो थिकनेस है उसके अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। यहाँ पर आप चाहे जितनी मोटी या जितनी पतली जो है वो स्लाइसेस कट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपने जैसे मुझे चाहिए वैसे मैंने जो है वो इसे पीसेस में कट कर लिया।
और इसके बाद अब हम टिक्कियों को फ्राई करने की तरफ चलेंगे। उसके लिए हमने सारी प्रिपरेशन कर रखी है, हमने स्लरी बना रखी है। तो चलिए फिर अब हम फ्राइंग की तरफ चलते हैं। उसके लिए यहाँ पर हमने एक कप ब्रेड क्रम्ब भी लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम टिक्की को जो हमने स्लरी तैयार की थी उसमें अच्छे से कोट कर लेंगे टर्न करके दोनों तरफ, और उसके बाद फिर हम इसे ब्रेड क्रम्ब में डाल के इसे ब्रेड क्रम्ब से भी अच्छे से कोट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये मेरे हाथ में ना लगे इसलिए मैं इसे जो है वो इस तरीके से कोट कर रही हूँ, और इसी मेथड को फॉलो करते हुए हम बाकी सारी जितनी टिक्कियाँ भी हमने रेडी की हैं उन्हें भी हम अच्छे से कोट करके रेडी कर लेंगे। और इस बात का ध्यान रखें कि हमें इन्हें कोट करने के बाद 10-12 मिनट्स के लिए रेफ्रिजरेटर में रख लेना है ताकि इसके ऊपर जो हमने कोटिंग की है वो अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी टिक्कियाँ रेडी हैं, अब इन्हें 10-12 मिनट्स के लिए रेफ्रिजरेट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने ऑयल गर्म कर लिया है और इसमें हम ये टिक्कियाँ डाल के इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। और ध्यान रखें कि जब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो हमें इन्हें अच्छे से दोनों तरफ से टर्न कर कर के फ्राई करना, और ध्यान रखें टेम्परेचर का कि अगर आपको लगे कि ये जल रहे हैं तो आप उसे मीडियम फ्लेम पर भी कर सकते हैं और इसे टाइम टू टाइम टर्न करते रहें ताकि ये जले ना और अच्छे से इवनली गोल्डन ब्राउन होके अच्छे से क्रिस्पी और क्रंची टिक्की हमारी बनके रेडी हो। यहाँ पर इसे 8 मिनट लगेगा लगभग इस तरीके की गोल्डन ब्राउनिंग आने में। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी टिक्की जो है वो बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होके क्रिस्पी तैयार हुई है, और अब हम इसी तरीके से अपनी सारी टिक्कियों को फ्राई करके रेडी कर लेंगे। और अब हम बर्गर को असेंबल कर लेंगे। उसके लिए यहाँ पर हमने सबसे पहले बर्गर बन देख सकते हैं लिया है। ये बर्गर बन आपको किसी भी जनरल स्टोर में या फिर बेकरी में मिल जाएगी। इस पर हमने बटर स्प्रेड कर लिया है ताकि जब हम इसे टोस्ट करें तो ये अच्छे से टोस्ट हो और इसे अच्छा फ्लेवर भी देगी। और इसके साथ ही यहाँ पर हमने और भी वेजिटेबल्स और चीज़ वगैरह लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने चीज़ स्लाइसेस लिए हैं। इस चीज़ स्लाइस के साथ ही यहाँ पर मैंने अनियन और टोमेटो के स्लाइसेस लिए हैं, और यहाँ पर मैंने ये एक मिक्सचर बनाया है 2 टेबलस्पून मेयोनीज और टोमेटो केचप। यहाँ आप यहाँ पे पेरी पेरी सॉस का भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत ही यमी टेस्ट देता है बर्गर को। जो आप बाहर खाते हैं उन बर्गर्स में जो आपको फ्लेवर आता है वो इसी सॉस का ही आता है। और यहाँ पर हमने जो टिक्की प्रिपेयर की थी वो आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर इसे असेंबल करते हैं। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हम इस पैन में हमने जो बन में बटर लगाया था उसे अच्छे से यहाँ पर हम टोस्ट कर लेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम जो ये ऊपर वाला बन है आप देख सकते हैं, इसके ऊपर वाले बन पे हम सबसे पहले जो मेयोनीज का मिक्सचर हमने रेडी किया है मेयोनीज सॉस का, वो हम इसे अच्छे से स्प्रेड कर। मेयोनीज सॉस की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा या घटा सकते हैं, आपको जैसा भी खाना पसंद हो। उसके बाद जो नेक्स्ट हम करेंगे ये जो दूसरी स्लाइस है इसके ऊपर हम जो है ये टिक्की जो प्रिपेयर की थी वो रखेंगे। उसके ऊपर चीज़ स्लाइस प्लेस करेंगे और मेयोनीज के ऊपर जो हमने अनियन और टमेटोज को स्लाइस करके रखा था उसे प्लेस करेंगे। और इसके बाद हम जो जिस पे हमने टिक्की और चीज़ रखा है उसको जो है हम सैलेड और सॉस वाले बन पे जो है टर्न कर देंगे, और इन सबको जो है फिर हम अपसाइड डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो बर्गर है वो बनके बिल्कुल ही रेडी है। अब आप इसे इंजॉय कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, किसी भी ओकेजन पे बनाइए, बर्थडे पार्टीज हो या फिर घर में गेस्ट आ रहे हो या फिर ऐसे ही आपका खाने का मन कर रहा हो तो आप इसे ईजिली आप घर पर बना सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। तो नेक्स्ट डिलीशियस रेसिपी के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए कीप एंजॉयिंग। बाय बाय।